कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ चीज़ों की सहूलियत दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए। मगर फिर भी कई जगह ऐसी है जहां पर हर रोज़ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती है। आपको महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर लोग भीड़ जमा कर खड़े हैं और जब पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाई तो पुलिस टीम पर ही पथराव किया गया। शहर के आनंद नगर इलाके में लोगों ने भीड़ इकट्ठा कर ली, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, मगर लोगों ने पुलिस पर ही पथराव करना शुरू कर दिया। देखिए वीडियो किस तरह से पुलिस भीड़ को हटाने पहुंची और कुछ लोगों ने सड़क के किनारे से पत्थर उठाकर पुलिस टीम पर फेंकना शुरू कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र कोरोना का प्रकोप सबसे ज़्यादा झेल रहा है और इस बीच इस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना लोगों को और कितना भारी पड़ सकता है। महाराष्ट्र में मंगलवार सुबह तक कोविड-19 के 2553 नए मामले सामने आए थे और 109 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जिससे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 88,528 हो चुकी है और मरने वालों की संख्या 3159 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने दी है, जिससे इस बीमारी से उभरने वालों की संख्या 40,975 हो गई है। आपको बता दें कि मुंबई ने अब रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है, कोरोना के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।